हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप कुमार कौर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर। दोस्तों, आज हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रांच एंड बाउंड मेथड से। यहां पर जब हम ब्रांच एंड बाउंड मेथड का यूज़ करते हैं तब हम ग्राफिकल मेथड के कंसेप्ट के साथ यहां पर ब्रांच एंड बाउंड मेथड का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले भी हमने ग्राफिकल मेथड के जो कंसेप्ट है उस पर डिस्कस किया हुआ है, तो आप प्लीज़ मेरे उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और आज भी हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड का यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों, ब्रांच एंड बाउंड का मीनिंग यहाँ पे ये रहेगा कि सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जनरली ग्राफिकल मेथड से। यदि वहाँ पर हमारा सॉल्यूशन इंटीजर्स के फॉर्म में निकल आता है तब तो वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, लेकिन यदि x1 x2 की वैल्यू इंटीजर नहीं मिलती है तब हम इस प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कंसेप्ट हमारा कहलाता है ब्रांचिंग। फिर हम उन पार्ट्स पर काम करते हैं और जहाँ हमको लगता है कि उस पार्ट्स को हम आगे नहीं बढ़ा सकते तब हम वहाँ पर उसको बाउंड कर देते हैं, और जहाँ से हमको आगे ब्रांचिंग करनी रहती है हम ब्रांचिंग करते हुए चलते हैं। इस तरह हम पॉसिबल ब्रांचिंग करते हुए चलते हैं जब तक कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम यहाँ पर हमारा एग्जांपल। यहाँ पर जो हमको प्रॉब्लम दी हुई होती है, इसमें जो हमको कंडीशन दी हुई है कि x1 x2 इंटीजर्स हैं, लेकिन हम जब इसको स्टार्ट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमको इंटीजर्स वाली कोई कंडीशन नहीं दी है। इस प्रॉब्लम पर हम नॉर्मली हमारी ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट होते हैं या इनइक्वलिटीज़ होती है, इनको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे फर्स्ट कंस्ट्रेंट के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारा हो जाएगा 9x1 + 5x2 = 45। इनको हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना रहता है। सेकेंड हमारा हो जाएगा x1 + x2 = 6। अब यदि यहाँ से हम पॉइंट्स निकालना चाहें तो सबसे पहले हम x1 की वैल्यू या x2 की वैल्यू 0 रखते हैं। तो चलिए, हमने मान लिया कि हमने x1 की वैल्यू 0 रखी है। x1 की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x2 की वैल्यू निकल कर आएगी 9। सेकेंड टाइम हम x2 की वैल्यू 0 रखेंगे, और यदि x2 की वैल्यू 0 रखते हैं तो x1 की वैल्यू निकल कर आएगी 5। इस तरह हमको एक इक्वेशन से 2 पॉइंट मिल गए हैं। सेम हमको करना है सेकंड के साथ। तो यदि हम x1 की वैल्यू 0 रखते हैं तो x2 की वैल्यू निकल कर आएगी 6। इसी तरह जब हम x2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू निकल कर आएगी 6। ओके दोस्तों, अब इन पॉइंट्स को लेकर हमको ग्राफ बनाना है, तो हम ग्राफ बना लेते हैं। पॉइंट जैसे हमको यहाँ पे दिए हुए हैं 6 है 5 है 9 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ ग्राफ बना लेते हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। इस तरह हम लेते हैं x1 पॉइंट और यहाँ पे ले लेते हैं x2 पॉइंट। अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो 0 9 0 9 मीन्स x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 9। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा 5 0, मीन्स x1 की वैल्यू 5 है और x2 की 0 है। तब हमारा पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ये दोनों पॉइंट हमारे एक ही कंस्टेंट से निकल कर आए, इसलिए हम इन दोनों को मिला देते हैं। जो पहला हमारा कंस्टेंट था उसमें सिंबल है हमारे पास लेस देन और इक्वल का, इसलिए मैं यहाँ पे सिंबल लगा लेता हूँ लेस देन और इक्वल का। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो 0 6 है, 0 6 और 6 0 मीन्स यहाँ पर। इन दोनों को भी मैं मिला देता हूँ। यहाँ पर भी सिंबल है हमारे पास लेस देन और इक्वल का। अब यहाँ पर कंस्टेंट के अकॉर्डिंग जो सिंबल है वो लेस देन इक्वल है, मीन्स हमको इन दोनों लाइन के अंदर रहना है। तो ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा होगा फिजिबल रीजन। और पॉइंट्स पर अगर हम देखें तो हमको पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे ओ, यहाँ मिलेगा हमको ए, ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा बी, और यहाँ पे मिलेगा हमको सी पॉइंट। ये वाला दोस्तों का सी पॉइंट है हमारा। यहाँ पर तो वैल्यू 0 0 है, यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स देखें तो वैल्यू मिलेगी हमको
0, 6। सी पर अगर हम देखें तो हमको वैल्यूज मिल रही है 5, 0। और बी पर अगर हम निकालना चाहें तो बी के लिए हम देखेंगे दोनों इक्वेशन के थ्रू। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 9x1 + 5x2 = 45। सेकेंड इक्वेशन में हम 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब ये हो जाएगा 9x1 + 9x2 = 54। माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे बचेगा -4x2 और यहाँ पर आ जाएगा -9। तब x2 की वैल्यू निकल कर आएगी 2.25। और x2 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट करें तब x1 की वैल्यू निकल कर आएगी 3.75। तो दोस्तों b पर हमको जो निकल कर आ रहा है वो है 3.75 और x2 की वैल्यू है 2.25। अब इन पॉइंट्स पर अगर हम जेड की वैल्यू देखें तो यहाँ तो जेड की वैल्यू हमको 0 मिलने वाली है। ए पॉइंट पर अगर हम देखें तो जेड की वैल्यू हमको मिलेगी 30। सी पॉइंट पर देखें तो जेड की वैल्यू हमको मिलेगी 40। और बी पॉइंट पर देखें तो जेड की वैल्यू हमको मिलेगी 41.25। तो पर्टिकुलर इस ग्राफ के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बी पॉइंट पर निकला है, जहाँ पर जेड की वैल्यू हमको मैक्सिमम मिल रही है। तब दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो जेड की वैल्यू मिल रही है हमको 41.25 और ये मिल रही है हमको x1 = 3.75 और x2 = 2.25 पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो x1 x2 की वैल्यू हमको मिल रही है ये इंटीजर्स नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है और अब हमको हमारी प्रॉब्लम को ब्रांचिंग करना पड़ेगा। तो ब्रांचिंग करने के लिए हम यहाँ पे जो हमारे x1 x2 रहते हैं, जो हम रूट यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, इनको देखते हैं कि इसमें से कौन सा रूट, पहले तो ये देखना रहता है कि कौन सा हमको इंटीजर नहीं मिला है। जो इंटीजर नहीं मिलता हम उसके बेस पर ब्रांचिंग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे दोनों ही रूट तो यहाँ पे इंटीजर नहीं है। तब हम इस केस में देखते हैं कि हमारे पास कौन सा जो x1 x2 है उसमें से कौन सा बड़ा है, जो भी यहाँ पे ग्रेटर रहता है वो उसके बेस पर हम यहाँ पे हमारे ब्रांचिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो x1 रूट है वो हमारा यहाँ पे बड़ा है 3.75। तो इसके बेस पर हम हमारी प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रॉब्लम्स को डिवाइड करने के लिए अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि x1 की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों x1 की वैल्यू है हमारे पास 3.75, मीन्स ये वैल्यू अगर इंटीजर में हम देखें तो 3 और 4 के बीच में है। x1 की वैल्यू 3 और 4 के बीच में है, मीन्स अब एक यहाँ पे कंस्टेंट हम ऐड करेंगे जिसमें कि x1 < 3 होगा, मतलब 3 तक पहुँच पाएगा, और एक हम देखेंगे जो 4 के बाद होगा, मीन्स x1 should be > than or = 4। अब ये जो दो कंस्टेंट है ये हम हमारी मेन प्रॉब्लम में ऐड करते हैं। पहली प्रॉब्लम में ये ऐड होगा जो सब प्रॉब्लम 1 कहलाएगी, और दूसरी प्रॉब्लम में हमारा ये ऐड होगा जो सब प्रॉब्लम 2 कहलाएगी। अब इन कंस्टेंट को हम हमारी प्रॉब्लम में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमको प्रॉब्लम दी हुई है ये हमारी मेन प्रॉब्लम है, इसको हम डिवाइड करते हैं हमारी दो प्रॉब्लम में। तो फर्स्ट कहलाएगी हमारी सब प्रॉब्लम 1। सब प्रॉब्लम 1 में मेन प्रॉब्लम तो पूरा कंसीडर होता है, तो मैक्स जेड 8x1 + 5x2 सब्जेक्ट टू 9x1 + 5x2 < 45, x1 + x2 < 6। और अब इसमें एक और कंस्टेंट ऐड होगा x1 < 3। तो यहाँ पर एक और कंस्टेंट ऐड हो जाएगा x1 < 3। तो ये है हमारी सब प्रॉब्लम 1। अब इसी तरह एक और होगा, सब प्रॉब्लम 2 आएगी, ये कंडीशन हमेशा चलेगी हमारी दोनों। सब प्रॉब्लम 2, तब यहाँ पर आएगा मैक्स जेड 8x1 + 5x2 सब्जेक्ट टू 9x1 + 5x2 < 45, x1 + x2 < 6।
और अब थर्ड कंस्टेंट इसमें ऐड होगा, एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब दोस्तों हमको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो इस प्रॉब्लम को हमने पार्टीशन किया है सब प्रॉब्लम 1 में और सब प्रॉब्लम 2 में। अब जब हम इनको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो इसका ग्राफ अलग बनेगा और इसका ग्राफ अलग बनेगा, तब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा ग्राफ जो हमने सब प्रॉब्लम 1 के लिए बनाया हुआ है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो मेन कंस्टेंट थे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये दो लाइंस आई हैं, लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल, और एक और कंस्टेंट ऐड हुआ है एक्स वन लेस देन इक्वल टू 3, जिसके लिए यहाँ हमारे पास ये वाली लाइन आई हुई है। तो यहाँ पर जो हमारे सिंबल है वो लेस देन इक्वल के हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ये फिजिबल रीज़न है ये हमारा यहाँ पे फिजिबल रीज़न निकल रहा है। अब हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ पर आएगा ओ ए बी और यहाँ पे आएगा सी। सारे पॉइंट्स पर अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी जेड की वो आ रही है 39, और वो इस पॉइंट पर आ रही है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स वन की वैल्यू है 3 और एक्स टू की वैल्यू है 3। तब हमारे सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पे इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तरफ हमने लिया था एक्स वन लेस देन इक्वल टू 3, और एक बार हम ले रहे हैं एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तब इस कंस्टेंट के साथ हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो जेड की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही है 39, और एक्स वन की वैल्यू है 3 और एक्स टू की वैल्यू है 3। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आके हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स वन एक्स टू दोनों की वैल्यू इंटीजर आ चुकी है, इसलिए हम इसको आगे ब्रांच नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे सब प्रॉब्लम 2 पर, जिसमें हमने एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिया है। तो अब हम देखते हैं हमारा सब प्रॉब्लम 2 पर जिसमें हमने एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिया है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सब प्रॉब्लम 2 के लिए ग्राफ। इसमें आप देख रहे हैं कि ये दो लाइंस तो हमारे जो मेन प्रॉब्लम है उसी के लिए है, और जो हमने थर्ड यहाँ पे एक कंस्टेंट ऐड किया है एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ की है। अब यहाँ पे सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का, और यहाँ पे दोनों में था लेस देन इक्वल टू 4 का, मीन्स हमारे पास जो ये एरिया निकल कर आया है ये हमारा फिजिबल रीज़न निकल कर आया है। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो फिजिबल रीज़न है, यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स मिलेंगे उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट पर हमको यहाँ पे जेड की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर जो एक्स वन की पोजिशन है वो है 4, और एक्स टू की पोजिशन निकालने के लिए हम यहाँ पे हमारे दोनों जो इक्वेशन है उनके इंटरसेक्शन पर है, तो उसके बेस पर हम यहाँ पे हमारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है वो है हमारा 9x1 + 5x2 = 45 लाइंस पर, और जो एक और लाइन जो हमारे इंटरसेक्ट कर रही है वो है हमारी यहाँ पर x1 = 4 के लिए। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9x1, और इसमें 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 36। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 5x2 = यहाँ बचेगा 9, और x2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें तो वैल्यू निकलेगी 1.8। x2 की वैल्यू अगर इन इक्वेशन में हम पुट करें तब x1 की वैल्यू निकल कर आएगी 4। तो यहाँ पर जो पॉइंट आया है वो x1 की वैल्यू 4 आई है और x2 की वैल्यू 1.8 आई है, और इन दोनों की वैल्यू को लेकर हम जेड की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आया है 41। इसको हम हमारे सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम एक्स वन ग्रेटर इक्वल टू 4 को कंसिडर कर रहे हैं तब जेड की वैल्यू आ रही है 41, और यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू है हमारे पास, एक्स वन की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास 4, और एक्स टू की वैल्यू है 1.8। अब यहाँ पर जब हमने सब प्रॉब्लम जो हमारी प्रॉब्लम थी उसको पार्टीशन किया, ये सब प्रॉब्लम 1 का आंसर है और ये सब प्रॉब्लम 2 का है। यहाँ पर तो हमको एक्स वन एक्स टू की वैल्यू इंटीजर मिल गई है, दैट मीन्स हम यहाँ से आगे ब्रांचिंग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स वन की वैल्यू 4 इंटीजर में है लेकिन एक्स टू की वैल्यू अभी भी यहाँ पे आपको इंटीजर नहीं मिली है, तब हम यहाँ से अब ब्रांचिंग करेंगे। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्स टू की वैल्यू हमारे पास 1.8 है,
मीन्स इसका इंटीजर पार्ट अगर हम देखें तो 1 होगा और 2 होगा। अब यहाँ पर हमारे पास कंस्टेंट ऐड होंगे एक्स टू लेस देन इक्वल टू 1, और एक कंस्टेंट ऐड होगा एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसको हम दो पार्ट में करेंगे, जिसमें एक कंस्टेंट ऐड होगा एक्स टू लेस देन इक्वल टू 1 और दूसरे में कंस्टेंट ऐड होगा एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तब सब प्रॉब्लम 2 को हमको डिवाइड करना है, डिवाइड कर लेते हैं हम इसको। सब प्रॉब्लम 3 एंड सब प्रॉब्लम 4। सब प्रॉब्लम 3 में आएगा मैक्स जेड 8x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू 9x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 45, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये प्रॉब्लम तो हमारे सेम यहाँ पर आ गई। अब इसमें नया कंस्टेंट हमारा ऐड होने वाला है एक्स टू लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आएगा एक्स टू लेस देन इक्वल टू 1। सब प्रॉब्लम 4 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आएगा मैक्स जेड 8x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू 9x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 45, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और अब इसमें ऐड होगा हमारा एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके दोस्तों, अब इनको हम फिर से ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि हमको यहाँ पर x1 x2 की वैल्यूज़ क्या मिल रही है। अब ये है दोस्तों हमारा सब प्रॉब्लम 3 का ग्राफ। इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास लाइन है, सेकेंड इक्वेशन की लाइन हमने ड्रॉ करके रखी है, थर्ड के लिए हमने यहाँ पे लिया था x1 इक्वल टू 4, और अब एक और हमारे कंस्टेंट ऐड हुआ है x2 लेस देन इक्वल टू 1, जिसके लिए हमने यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ की है। अब सिंबल अगर हम देखें तो इन दोनों लाइन के साथ लेस देन इक्वल का है, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल का है और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का है। तब इन सब का अगर हम कॉमन एरिया देखें तो ये जो एरिया हमको दिख रहा है ये हमारा कॉमन एरिया है, और इसके लिए जब हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे जेड की, तो हमारे पास ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमको यहाँ पे जेड की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर एक्स टू की वैल्यू है 1 और एक्स वन की वैल्यू हमको मिल रही है 4.44। आप चाहें तो इनको हम इक्वेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये जो हमको पॉइंट मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है 9x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 45 और x2 इक्वल टू 1 के इंटरसेक्शन से। तो यहाँ पर हम 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x2 और ये हो जाएगा 5। यहाँ पर माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास 9x1 इक्वल और ये जाएगा 40। यहाँ पर जब हम x1 को इसे डिवाइड करेंगे, 40 को डिवाइड करेंगे 9 से, तब हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 4.44 समथिंग, और जब हम x1 की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो x2 की वैल्यू निकल कर आएगी 1। अब हम इस सॉल्यूशन को लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर हमने सब प्रॉब्लम 2 को डिवाइड किया था, एक बार हमने लिया था यहाँ पर x2 लेस देन इक्वल टू 1 और एक बार लेंगे हम x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो तब हमने यहाँ पे x2 लेस देन इक्वल टू 1 लिया है, तब जेड की वैल्यू निकल कर आ रही है 40.5 और x1 की वैल्यू है यहाँ पर 4.44 और x2 की वैल्यू है 1। अब हम सॉल्व करते हैं हमारी नेक्स्ट सब प्रॉब्लम, जिसमें हमने x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिया हुआ है, मीन्स हमारी सब प्रॉब्लम 4। इसको सॉल्व करते हैं। यह है फ्रेंड्स हमारे पास सब प्रॉब्लम 4 के लिए ग्राफ। यहाँ पर अगर आप देखें तो तीन कंस्टेंट में हमारे पास लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल लेस देन इक्वल के सॉरी दो में हमारे पास लेस देन इक्वल के सिंबल है, तो यहाँ पर हमारे पास लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल के सिंबल है, और इन दोनों में हमारे पास सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल के। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन एरिया निकालना चाहें तो कॉमन एरिया यहाँ पर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के हमको बाहर रहना है और इन दोनों लाइन के हमको अंदर रहना है। तो यहाँ पर इन दोनों लाइन के अंदर रहेंगे तो इधर वाला एरिया मिलेगा,
और इन दोनों लाइन के बाहर रहते तो हमको ये वाला एरिया मिलेगा। तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे कॉमन एरिया नहीं मिल रहा है, एग्जैक्ट बस ये पॉइंट मिल रहा है जो इनका एक कॉमन है। तो इस पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे x1 की वैल्यू है 4 और x2 की वैल्यू है 2। इसमें अगर हम z की वैल्यू निकालते हैं तो 42 निकलेगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमको कॉमन एरिया नहीं मिल रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे इनफीजिबल। और यहाँ पर जो हमको जेड की वैल्यू मिल रही है वो हमको 42 मिल रही है, जबकि हमने ऑयल जब हमारा फर्स्ट टाइम हमने जेड की वैल्यू कैलकुलेट की थी यहाँ पर, तो हमको जेड की वैल्यू मिल रही है 41.25। मीन्स हमारी ऑरिजिनल वैल्यू पर हमको 41.25 जेड की वैल्यू मिल रही है, तब इससे ज़्यादा हम वैल्यू हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन की नहीं मिल सकती। और यहाँ पर हमको वैल्यू मिल रही है 42, तो ये हमारा इनफीजिबल सॉल्यूशन है यहाँ पर। तब हम यहाँ पे लिखेंगे इस कंडीशन में कि यहाँ पर जेड की वैल्यू मिल रही है 42 और x1 की वैल्यू मिल रही है 4, x2 की वैल्यू मिल रही है 2, लेकिन ये हमारा यहाँ पे इनफीजिबल सॉल्यूशन है। ओके दोस्तों, तो अब हम ब्रांचिंग करेंगे हमारे इस सब प्रॉब्लम से। यहाँ पर अगर हम देखें तो x2 तो इंटीजर मिल चुका है, लेकिन x1 की वैल्यू है हमारे पास 4.44। मतलब अब यहाँ पर 4.44 है, तो इंटीजर पार्ट अगर देखें तो 4 होगा और 5 होगा। मीन्स x1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो सकती है 4 और x1 की वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तब यहाँ पर अब हम अलग अलग पार्ट कर लेते हैं। तो ये थी हमारी सब प्रॉब्लम 1, ये है हमारी सब प्रॉब्लम 2, ये है हमारी सब प्रॉब्लम 3, यहाँ पर थी हमारी सब प्रॉब्लम 4, ये है हमारी सब प्रॉब्लम 5 और यहाँ पर है सब प्रॉब्लम 6। तो अब हमको सब प्रॉब्लम 3 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। सब प्रॉब्लम 3 को हम डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो रही है हमारी सब प्रॉब्लम 5 में और सब प्रॉब्लम 6 में। सब प्रॉब्लम 5 में अगर हम करते हैं तो मेन प्रॉब्लम तो पूरी आ ही जाएगी, तो यहाँ पर आएगा मैक्स जेड 8x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट 2। तब ये तो हमारे पास सब प्रॉब्लम 5, सब प्रॉब्लम 6 जो सब प्रॉब्लम 3 से डिवाइड होके आई है वही ओरिजिनल लिख ली है। इसमें हमको ऐड करना है हमारे दो कंस्टेंट, यहाँ पर ऐड करना है हमको एक x1 लेस देन इक्वल टू 4 और एक ऐड करना है हमको x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तब यहाँ पर ऐड हो जाएगा x1 लेस देन इक्वल टू 4 और यहाँ पर ऐड हो जाएगा x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब हमको इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसको जब ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी है और x1 लेस देन इक्वल टू 4 भी है। इसका मतलब है कि अगर हम इनको कंबाइन करके लिखें तो x1 इक्वल टू हमारे पास 4 हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए अब हम ग्राफ बना लेते हैं सब प्रॉब्लम 5 के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सब प्रॉब्लम 5 के लिए ग्राफ। इसमें अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से हमको ग्राफ मिल रहा है, और ये जो कंस्टेंट है इसमें लेस देन इक्वल का सिंबल है, यहाँ पर भी हमारे पास लेस देन इक्वल का सिंबल है और x2 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 है, जो हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। और इसी तरह यहाँ पे अब x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी है और x1 लेस देन इक्वल टू 4 भी है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, यहाँ इस लाइन के हम ना तो बाहर जा सकते हैं ना ही अंदर, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल भी है और लेस देन का। मीन्स ये सिर्फ इक्वल वाली कंडीशन यहाँ पे शो हो रही है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर फीजिबल रीजन हमारा अकॉर्डिंग टू सिंबल्स या तो ये वाला बन सकता है या फिर सिर्फ ये जो लाइन है इस लाइन पर हम रह सकते हैं। दोनों ही केस में अगर हम हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू देखें तो पर्टिकुलर इस पॉइंट पर हमको इसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी। यहाँ पे x1 की वैल्यू है 4 और x2 की वैल्यू है 1, और जब इस वैल्यू को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे तो z की वैल्यू मिलेगी 37। तो पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम 5 के लिए अगर हम इसको ग्राफ से शो करें, सॉल्व करें, तो हमारे पास z की वैल्यू मिलेगी 37 और यहाँ पे x1 और x2 दोनों ही हमको इंटीजर मिल रहे हैं।
इसको हम हमारे सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि यहाँ पर जेड की वैल्यू हमको मिल रही है 37 और X1 की वैल्यू मिल रही है 4 और X2 की वैल्यू मिल रही है 1। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा सब प्रॉब्लम 6। सब प्रॉब्लम 6 के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो कंस्ट्रेंट है इसमें लेस देन इक्वल का सिंबल है, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल का सिंबल है और यहाँ पर भी लेस देन इक्वल का सिंबल है। फिर इसके बाद यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल और X1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल का। तब यहाँ पर इन दोनों लाइन के हमको बाहर रहना है और इन तीनों लाइन के हमको अंदर रहना है। अगर हम इस तरह से कुछ बनाते हैं तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमको कॉमन पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि हमको इस लाइन के भी अंदर रहना है, मीन्स हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, और इन लाइनों के हमको बाहर रहना है। तो कुल मिलाकर ये जो एक सिंगल पॉइंट हमको मिल रहा है ये हमारा यहाँ पे कॉमन एरिया या कॉमन पॉइंट निकल रहा है। इस पर अगर हम हमारे जेड की वैल्यू देखें तो जेड की वैल्यू मिलेगी 40 और यहाँ पर X1 की वैल्यू है 5 और X2 की वैल्यू है 0। तो हम इसको हमारे सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट हमारा पार्टीशन था, यहाँ पर जेड की वैल्यू निकल कर आ रही है 40, X1 की वैल्यू है 5 और X2 की वैल्यू है 0। अब अगर हम यहाँ देखें तो सब प्रॉब्लम 5 और सब प्रॉब्लम 6 दोनों में ही हमको X1 और X2 की वैल्यू इंटीजर मिल चुकी है, मीन्स हमको यहाँ से अब आगे ब्रांचिंग नहीं करना है। अब हमको ये देखना है कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा। तो दोस्तों ये तो हमारा इनफिजिबल सॉल्यूशन था, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू इंटीजर नहीं है इसलिए हमने इनको ब्रांचिंग की थी, यहाँ पर भी इंटीजर नहीं है इसलिए हमने इसको ब्रांच किया था। इंटीजर हमको मिल रहा है यहाँ पर तो ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है, यहाँ पर मिल रहा है ये भी हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है और यहाँ पर मिल रहा है ये भी हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। लेकिन हमको ये देखना है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमको यहाँ 39 है, 37 है, 40 है, इन तीनों में अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 40। इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ओके दोस्तों, तो ये है हमारा इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसको आज हमने सॉल्व किया है ब्रांच एंड बाउंड मेथड से। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने सॉल्व किया है, ये हमारी मेन प्रॉब्लम थी, फिर हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व किया, फिर हमने इसको डिवाइड किया दो पार्ट में, सब प्रॉब्लम 1 और सब प्रॉब्लम 2 में। फिर यहाँ से हमको इंटीजर मिल गया था तो हमने फिर सब प्रॉब्लम 2 को ब्रांचिंग की है, सब प्रॉब्लम 3 और सब प्रॉब्लम 4 में। फिर हमने आगे ब्रांचिंग की है हमारी सब प्रॉब्लम 3 की, 5 और 6 में। और इस तरह से हम साथ में एक चार्ट हमारा या ट्री हमारा बनाते हुए चलते हैं कि हमको कहाँ से ब्रांचिंग करनी है। तो इस तरह से हमने हमारे सॉल्यूशन लिखा हुआ है पूरा और लास्ट में हमने जाके देखा कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमको X1 इक्वल टू 5 और X2 इक्वल टू 0 पर मिल रहा है, जहाँ पे हमारे मैक्स डेट की वैल्यू 40 मिल रही है। और ये दोस्तों सारे हमारे ग्राफ्स हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए है, मेन प्रॉब्लम के लिए, और ये हमारा सब प्रॉब्लम 1 के लिए, फिर 2, 3, 4, 5 और 6 के लिए। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स अगर आपको आज के मेरे वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।